हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ इन नो कम्युनिकेशन है अपने पर्सन के साथ और आप जानना चाहते हो कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों की बातचीत होगी हाँ या ना। सो इस रीडिंग में मैं मैसेजेस भी इंक्लूड करूँगी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं बातें, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों की बातचीत होगी हाँ या ना। इस रीडिंग में मैं साथ में कार्ड्स ऐड करूँगी जस्ट टू सी कि व्हाट मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में उसके लिए भी। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट क्या आपकी और आपके पर्सन की बातचीत होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये उन लोगों के लिए है जो कि राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में है, चाहे रिसेंटली स्टार्ट हुई है नो कम्युनिकेशन या फिर काफ़ी टाइम से चल रही है, डजंट मैटर। सो लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी बात होगी आपके पर्सन के साथ हाँ या ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द सन, थ्री ऑफ कप्स, द बिग यस इज हेयर। डेफिनेटली आपकी बात होगी आपके पर्सन के साथ। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग वो होंगे जिनकी आपके पर्सन से बात होगी जो कि राइट नाउ बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं फ्रॉम विदन। वो लोग जो राइट नाउ स्टिल कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएं या फिर यू नो लैक फील कर रहे हैं, उनके लिए मैच नहीं करेगी एनर्जी। क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग आप में से ऐसे हैं जो कि राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में रहते हुए भी अपने आप को स्टेबल फील कर रहे हैं, अपने आप को हैप्पी फील कर रहे हैं, होल एंड कंप्लीट फील कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए मैच करेगी एनर्जीज। और आपको ये पर्सन का मैसेज आए या फिर बात आपकी उस इंसान से हो, ये ऐसा ही है कि आप इसको डिवाइन के ऊपर छोड़ कर चल रहे हो। ऐसा उन लोगों के लिए ये रीडिंग जो है वो ट्रू होगी, उनके साथ ये मैच होगी जो लोग ऐसी स्टेबिलिटी के अंदर है राइट नाउ, जहाँ पर उनको करंट सर्कमस्टांसेस जिसमें बातचीत नहीं हो रही है आज सच बॉदर नहीं कर रहा। इसलिए बॉदर नहीं कर रहा कि यू केयर डैम अबाउट दिस पर्सन, इसलिए बॉदर नहीं कर रहा क्योंकि आपका फेथ है, आपका स्ट्रांग बिलीफ है कि इवेंचुअली चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, आपका पर्सन आपसे बात भी करेगा, तो आप सुकून के साथ इस चीज़ को लेकर आगे चल रहे हो। आप ऑब्सेस नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बार बार अपना फ़ोन चेक नहीं कर रहे हो, आप ईजी होकर चीज़ों को लेकर चलना चाह रहे हो और आप बिलीव कर रहे हो कि जब डिवाइन यू नो एक यू नो डायरेक्शन आपके पर्सन को आपकी तरफ मिलेगी तो वो ज़रूर आपकी तरफ आएगा। तो आप उस फेथ के साथ, उस बिलीव के साथ अपने कनेक्शन को लेकर चल रहे हो। ये उन लोगों के लिए कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेटली होगी आपके पर्सन के साथ नेक्स्ट 48 आवर्स में। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप अपने अंदर से डेफिनेटली हार्मोनियस एनर्जी जो है वो फील कर रहे हो टुवर्ड्स कनेक्शन, टुवर्ड्स लव लाइफ। आपके अंदर वो बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं होगी कि जहाँ पे एक रेस्टलेसनेस एक इंसान के अंदर आने शुरू हो जाती है कि बात नहीं हो रही तो एक स्ट्रेस रहता है, एक रेस्टलेसनेस रहती है, एक नेगेटिविटी रहती है। वो चीज़ मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों के साथ होगी जिनकी कम्युनिकेशन होगी। आप बहुत ज़्यादा एट पीस फील कर रहे होगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे, यू विल बी डूइंग थिंग्स जो आपको पसंद है, यू नो जो आपको जिसमें आप बिजी भी रहते हो खुश भी रहते हो, आप वो चीज़ें कर रहे होगे जब आपकी इस इंसान के साथ कम्युनिकेशन होगी। एंड यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। मुझे नहीं लगता कि ये उन लोगों के साथ मैच करेगी जो लोग रो रहे हैं या जो लोग अपसेट हो रहे हैं, जो लोग फ्लैप कर रहे हैं अपने विंग्स टू गेट द अटेंशन ऑफ द पर्सन। जैसे होता है ना, आप चेज कर रहे होते किसी को, अगर आप चेज कर रहे हो या आप अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हो कि आपका पर्सन आपसे बात करे, आप बेगिंग वे में एक तरह से जा चुके हो जहाँ पे आपका समझ नहीं आ रहा कि कैसे डील करना, या उनके साथ मैच नहीं होगी। आपके साथ आपकी पर्सन की कम्युनिकेशन तब भी पॉसिबल है अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो। जस्ट यू गॉट टू डू एज एक चीज़ कि आपने अपने आप को ऐसी सिचुएशन से पुल आउट करना है जहाँ पर शायद आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो, बेग कर रहे हो, अटेंशन सीकर बने हुए हो। ये सारी चीज़ें आप जब छोड़ दोगे, जिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी होप डिज़ायर ख़त्म कर रहे हो, इट्स मोर लाइक कि आप बिलीव की स्टेट में आ रहे हो। जब आपको एक बिलीव होता है तो आप ऐसे क्रेजीली किसी को चेज नहीं करते हो या परसू नहीं करते हो। आप हमेशा जो है जो कनेक्शंस ईजिली स्मूथली चलते हैं उसमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है। अगर आप यू नो आउट ऑफ बैलेंस आपका कनेक्शन हो रहा है जहाँ पे वन पर्सन इज़ मोर इनटू द अदर और जो दूसरा पर्सन है वो तो सर पे चढ़ चुका हुआ है, तो वो कभी भी बैलेंस नहीं रहेगा। सो बैलेंस स्टार्ट्स फ्रॉम विदेन। जहाँ पे आप अपने आप को लेके इतने कॉन्फिडेंट होते हो और आपको बिलीफ होता है कि आपका पर्सन आपको छोड़ के कहाँ जा सकता है या उसको आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला कहाँ मिल सकता है, जब आपके अंदर ये फेथ ये बिलीफ आ जाए
और एक सुकून आ जाए और एक बिलीफ अपनी दुआ के ऊपर भी आ जाए तो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। सो मुझे लगता है कि जो लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए पीस में है राइट नाउ, नो कम्युनिकेशन के होने के बावजूद भी आपको फियर नहीं है कि वो किसी और के साथ होगा, आपको फियर नहीं है कि वो किसी और से बात कर रहा होगा, आपको फियर नहीं है कि वो उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया होगा, तो ये आपके साथ मैच होगी और आपका पर्सन आपके पास ही आएगा जब उसके पास टाइम होगा, बात करने का दिल करेगा तो वो आपसे ही करेगा, आपके बारे में ही सोचता होगा, आपकी ही पिक्चर्स देखता होगा। लेकिन अगर आपके अंदर फियर है कि ओ हो यू नो वो तो किसी और के साथ होगा, वो तो अपनी लाइफ मस्त जी रहा होगा, आप टेंशन में हो, आपका कुछ खो गया है, उसका जैसे कुछ नहीं खोया, क्योंकि आपको लगता है कि वो पर्सन इज़ लाइक द गॉड और आप जो हो कहीं ना कहीं आप यू नो उसको यू नो उसकी उसको यू नो व्हाट वी कॉल इट वर्शिप करने वाले या पूजा करने वाले हो जाते हो, क्योंकि आप उस इंसान को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हो कि आपके लिए खुद की वैल्यू जो है वो जीरो की होके रह जाती है। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो देन ये आपके साथ मैच नहीं होगी, आपकी कम्युनिकेशन नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं होगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो मैंने अभी बात कही, अगर आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सको, और उसके लिए हो सकता है आपको एक दिन लगे, 2 दिन लगे, हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, जब आप अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल जाओगे तो आपकी भी कम्युनिकेशन हो जाएगी। लेकिन ये उन लोगों की है जिन्होंने ऐसे कर चुके हैं, जिनको खुद के अंदर एतमाद है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ वर्थ का अंदाज़ा है, उनके लिए डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगी आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। और नहीं दैट वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन आपको रीच आउट करेगा जहाँ पे ये जो आप जो वॉइड छोड़ रहे हो बीच में, जहाँ पे आप चेज नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आप उसको परसू नहीं कर रहे हो, वो चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लेट्स सी के मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। डोंट यू एवर लीव मी, तो जहाँ पे आप ये चेज करना छोड़ते हो पर्सन को, उसको डेफिनेटली फियर आता है कि कहीं आप कहीं बढ़ ना जाओ अपनी ज़िंदगी में आगे, कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, कहीं आप उसको क्योंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, तो ये ना हो कि आपको वैल्यू करने वाला आपको कोई मिल जाए और आप उसको छोड़ दो। सो डेफिनेटली वो थोड़ा फियरफुल हो रहा है और आपसे कहना चाह रहा है कि डोंट एवर लीव मी, डू यू लव मी द वे आई डू। अब उसको एहसास होता है कि वो भी शायद आपसे प्यार करता है, और वो वंडर कर रहा है कि क्या आप उसको उतना प्यार करते हो जितना वो आपसे करता है, जबकि राइट नाउ शायद गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको उसका प्यार फील ही नहीं हो रहा होगा, लेकिन दैट पर्सन स्टिल वंडर्स कि क्या आप उसको यू नो आप उसको उतना प्यार करते हो जितना उसको फील हो रहा है राइट नाउ आपके लिए, विच कुड बी लाइक यू नो टू मच फॉर दैट पर्सन। हो सकता है उसने ऐसा कभी किसी के लिए फील ना किया हो। आई नीडेड स्पेस, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि उस टाइम पर जब भी आपकी लास्ट टाइम इससे बात हुई होगी, उस टाइम पर मे बी इस इंसान को थोड़ा स्पेस चाहिए था, इस इंसान को थोड़ा टाइम अपार्ट चाहिए था आपसे और हर चीज़ से, शायद जस्ट कि वो अपने फीलिंग्स को समझ सकता, अपने प्यार को समझ सकता जो कि उसके दिल में आपके लिए है। सो मुझे लगता है कि फाइनली उसको रियलाइजेशन हो रही है अब, और वो आपके पास आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, वो डेफिनेटली करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको फियर है कि कहीं आप उसे छोड़ ना दो, उसको फियर है कि कहीं आप उससे उसको छोड़ कर आके अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ बढ़ ना जाओ। सो मुझे लगता है कि जो चेंज आपके अंदर आया है और आ रहा है या आप ला सकते हो, जब आप वो चेंज ले आओगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको खुद फील होगा कि यू डोंट नीड टू चेज दैट पर्सन, आप के पास जो है, जो प्यार है, जो लॉयल्टी है ऑफर करने के लिए, वो उसे कहीं और नहीं मिलेगी। जब आप इस सिचुएशन में आते हो जहाँ पे आप इतने अंदर अपने अंदर खुद को इतना कॉन्फिडेंस हो जाए, तो तब वो पर्सन आपको छोड़ ही नहीं सकता, वो उन लोगों को ही छोड़ेगा जिनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिनको लगता है कि वो तो पर्सन पता नहीं क्या चीज़ है और आप पता नहीं यू नो बहुत ही गई गुजरी चीज़ हो जो कि शायद उसको चाहिए ही नहीं है, और उसके पास ऑप्शंस भी होगा तो तब भी चूज़ नहीं करेगा। तो अगर आपका फियर यू नो ऐसा है, और वो इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को खुद को ही यू नो उस तरह से प्यार नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, या आप अपने बारे में खुद इतना ज़्यादा लो सोचते हो, तो वो उन लोगों के लिए ही होगा कि आपका पर्सन आपको छोड़ देगा, या जब आप बहुत ज़्यादा अगले के ऊपर डिपेंड करते हो ना, फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर लव, फॉर जॉय, तो अगला पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेगा ही, स्पेशली अगर वो ऑलरेडी म्यूचुअल नहीं है। अगर तो म्यूचुअल मैडनेस है, म्यूचुअल लव है, तो दैट्स द परफेक्ट थिंग। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप जितना प्यार करते हो पर्सन उतना ही आपके साथ इरिटेटिंग बिहेवियर में रहता है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा साइन है कि आप शायद आउट ऑफ बैलेंस जा रहे हो कनेक्शन के अंदर। सो लेट्स सी कि क्या मिरेकल, क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी ज़िंदगी में अपने पर्सन के साथ नेक्स्ट 48 आवर्स में। मिनी ब्रेकअप जो कि ऑलरेडी जाहिर है चल रहा होगा मेजॉरिटी लोगों के लिए, द चैरियट, मिनी ब्रेकअप से फर्दर फ्यूचर का सफर जो है मुझे लगता है बहुत जल्द होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द हेयर फैन अंडरनीथ द डेक।
सो ए सोफॉन्स उसके नीचे, बट यस मुझे लगता है कि जो मिनी ब्रेकअप आप लोगों का चल रहा है, इट्स जॉब का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में. हो सकता है कि आपकी इस इंसान से बात होकर फिर से ख़त्म हो जाए कुछ लोगों के लिए, बट यस ये जो मिनी ब्रेकअप चल रहा है ये आपकी लव लाइफ को वो स्पीड देगा जो कि शायद मिसिंग थी आपकी लव लाइफ में. काफ़ी हद तक स्टैग्नेशन शायद चल रही थी, तो मिनी ब्रेकअप इज गोइंग टू प्रूव लकी फॉर यू आपके कनेक्शन के लिए, क्योंकि इस मिनी ब्रेकअप के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड अप करेंगी, क्योंकि इस मिनी ब्रेकअप के अंदर आपने खुद के ऊपर जो आपका जो यू नो एक आपने अपने आप को जो टाइम दिया है और स्टेबल किया है इस सिचुएशन को लेकर मुझे लगता है, और जिस तरह से आप खुश रह रहे हो, हैप्पी रह रहे हो, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपकी लव लाइफ में एक ब्रेक थ्रू के जैसे काम करेगा. सो लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए. द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. आपका पर्सन क्या कर रहा था इतने दिन, उसने क्यों लगाया ये वो, इस तरह के सारे जो भी आपके जहन में सवाल चल रहे होंगे उसके आंसर्स आपको नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर डेफिनेटली मिल जाएंगे. आप में से कुछ लोग जेमिनी हो सकते हो, जेमिनी से डील कर रहे हो सकते हो. योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. आपका जो भी आपने इस कनेक्शन को अपना अपनी लाइफ दी, अपना प्यार दिया, अपना टाइम दिया, उसका आपको फाइनली रिजल्ट मिलेगा आने वाले 48 आवर्स में. आप में से कुछ लोग हो सकता है कैप्रिकॉन हो या फिर कैप्रिकॉन को डील कर रहे हो. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. और या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय.